हेलो स्टूडेंट, क्लास एर्थ सब्जेक्ट मैथ्स सॉल्व एक्सरसाइज 8.3। 8.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ आपके थ्योरी और फार्मूला हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है, उसको समझना है, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो नाउ व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आप समझिए। कंपाउंड इंटरेस्ट जानने के पहले हमें एक सिंपल इंटरेस्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आप इसमें डेफिनेशन, इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक और पोस्ट ऑफिस ऑन मनी। अब आप देखिए, किसी बैंक में जो पैसा आप जमा करते हैं उसके ऊपर जो है बैंक कुछ एक्स्ट्रा मनी आपको और पेड करता है कुछ समय के बाद, तो उस जो एक्स्ट्रा मनी होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट आप लोग ऑलरेडी लास्ट पिछले क्लास में आपने पढ़ा है, तो SI इक्वल PRT बाई 100, जो SI सिंपल इंटरेस्ट, P प्रिंसिपल, R रेट और T टाइम बाई 100, ये आप उससे सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप देखते हैं कि नॉर्मली द इंटरेस्ट पेड आर चार्ज्ड इज नेवर सिंपल, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, दिस इज नोन एज इंटरेस्ट कंपाउंड, कंपाउंडेड आर कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में CI से डिनोट करते हैं। यानी आपने मान लीजिए 100 रुपये आपने जमा किया, साल के अंत में आपको उस पर 5 रुपीज और मिल गए, 105। अब अगर आप पैसे नहीं निकालते हैं तो नेक्स्ट ईयर, फिर अगले साल मतलब दूसरे साल के लिए अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका 100 रुपये पर ब्याज नहीं लगेगा, बल्कि वो 5 रुपीज जो आपको मिला है उस पर भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो आपका उस समय प्रिंसिपल सेकंड ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा, 105। तो इस तरीके से आप जो है, जो हमें इंटरेस्ट मिलते हैं और टोटल लास्ट के सेकंड ईयर में अगर देखा जाए तो टोटल अमाउंट से 100 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आपको अमाउंट मिलेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो बेटा इसी तरीके से इनको ध्यान में रखना है। अब आप देखते हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है, इसके बारे में आप ध्यान से देखना है और समझना है कैसे आया है। तो ये अलग से कहीं नहीं है, आप सिंपल इंटरेस्ट से बार बार हर एक साल का इंटरेस्ट निकाला जाता है और उसी से ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपके रहते हैं। तो आप देखिए इसमें, अगर सपोज P1 इज द सम ऑन विच इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट ए रेट ऑफ R पर एनम। पर एनम का मतलब ये वार्षिक है, ठीक है, रेट है ये, यानी जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा। तो यहाँ प्रिंसिपल P को हम जैसे 5000 और रेट को 5% पर एनम मान लेते हैं। तो अगर पहले फर्स्ट ईयर का आप निकालते हैं इस तरीके से, तो SI इक्वल 5000 इंटू 5 इंटू 1 बाई 100 सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वो आपका SI होगा, उस SI को हम किस में, ये प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, अमाउंट। तो इस तरीके से आप देखो, प्रिंसिपल आपका 5000 था और इंटरेस्ट आपका ये इतना हुआ। तो इसको आपने इसी तरीके से ऐसे लिख लिया। अब आप देखो, ध्यान में रखो कि 5000 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो 5000 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा क्या, 1, और यहाँ आपका 5 × 1 यानी 5/100। तो ये जो आपका अमाउंट आया वो P2 यानी दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा ये आपका प्रिंसिपल, और फर्स्ट ईयर्स का क्या होगा, अमाउंट होगा। इसी तरीके से इसको एल्जेब्राइक में किया गया है, जो आप यहाँ न्यूमेरिकल लेकर के देखें, यहाँ जो है एल्जेब्राइक में जैसे रुपीज, ये आपका P1 R और 1/100 SI फर्स्ट ईयर का निकाला। अब अमाउंट फर्स्ट ईयर का निकालना है, तो P1 प्लस SI 1
फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट था। तो इस तरीके से इसको लेकर के पी वन आप बाहर निकाला और पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड इक्वल पी टू, ये भी सेम मतलब एक न्यूमेरिकल और एक एल्जेब्राइक में साथ साथ लेकर के चल रहे हैं और इनको दोनों से आप समझना है। केवल यहाँ पी के पी वन के जगह पर आपका 5000 और यहाँ आर के जगह पर 5 है, तो ये आपको सेम प्रोसेस लेकर के चल रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड स्टेप में SI2 दूसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर का जो आपका अमाउंट था वो दूसरे ईयर्स का क्या हो गया, मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो ये प्रिंसिपल जब हुआ आपका और इसका आर आपका आर और इंटू वन बाई हंड्रेड ये इस तरीके से करके निकालना, तो इसको फिर हम अगर सिंपलीफाई करें तो आप देख रहे हो कि 5000 इंटू 5 बाई हंड्रेड ये बाहर आ गया और बचा आपका क्या 1 प्लस 5 बाई हंड्रेड। अब इसका सेकंड ईयर्स का जो अमाउंट होगा वो 5000 मतलब जो आपका सेकंड ईयर का प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल प्लस सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करना है इसमें, तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें 5000 यहाँ भी है, 5000 यहाँ है, कॉमन ले लिए। यहाँ आपका बचा क्या 1 प्लस 5 बाई हंड्रेड और यहाँ भी आपका क्या बच जाएगा, ये 1 प्लस 5 बाई हंड्रेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये दो बार हो गए तो इसका पावर 2 ले दिया, तो ये सेकंड ईयर्स का जो अमाउंट हुआ वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा। इसी तरीके से ये आपका जो है एल्जेब्राइक में SI2 इक्वल P2 R इंटू 1 बाई हंड्रेड ये सेकंड ईयर्स का है और सेकंड ईयर्स का जो प्रिंसिपल था वो आपका ये है, ठीक है, इंटू R। अब इसको सिंपलीफाई किया तो सेकंड ईयर्स का ये सिंपल इंटरेस्ट है और इसमें सेकंड ईयर्स के प्रिंसिपल में आपके अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे। तो जब ऐड किए अब आप इसमें भी वही देख रहे हो कि ये आपका P1 क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, ये 1 प्लस R बाई 100 ये भी कॉमन ले लिए। अब यहाँ बचेगा क्या 1 और यहाँ भी आपका क्या बच गया 1 प्लस R बाई नहीं ये R बाई 100, ये R बाई 100। तो ये और ये देख रहे हैं दोनों सेम है, दो बार आए हैं तो पावर 2 लिख दिया। तो इस तरीके से ये सेकंड ईयर्स का क्या हो गया अमाउंट और जो थर्ड ईयर्स का प्रिंसिपल होगा। अब इसी प्रोसेस को यदि आप कंटिन्यू एन टाइम्स यानी एन ईयर्स तक करते चले जाएं तो उसके लिए जो आपका फार्मूला बन जाएगा जो अमाउंट होगा वो AN इक्वल P1, ठीक है, 1 प्लस R बाई 100 पावर N। इसको अब यहाँ 1 हटा करके जनरल इसको फार्मूले में लिख देते हैं, जो अमाउंट इक्वल P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 पावर N। तो ये आपका कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ये इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल A माइनस P कर देंगे तो हमें CI मालूम हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ये कंपाउंडेड एनुअली है। यहाँ थोड़ा सा और आपको ध्यान में रखना है कि कंपाउंडेड एनुअली या हाफ ईयरली अगर हो तो उस टाइम में आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। जैसे अगर आपको इसको पहले पढ़ लें, टाइम पीरियड एंड रेट व्हेन द इंटरेस्ट नॉट कंपाउंडेड एनुअली द टाइम पीरियड आफ्टर विच द इंटरेस्ट इज एडेड ईच टाइम टू फ्रॉम फॉर्म ए न्यू प्रिंसिपल इज कॉल्ड द ये कन्वर्जन ये पीरियड। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली देयर आर टू कन्वर्जन पीरियड इन ए ईयर ईच आफ्टर 6 months। इन सच सिचुएशन द हाफ ईयरली रेट विल बी हाफ ऑफ द एनुअल रेट। व्हाट विल हैपन इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली इन
दिस केस देयर आर फोर कन्वर्जन पीरियड्स इन ए ईयर एंड द क्वार्टरली रेट विल बी 1/4 ऑफ द एनुअल रेट। अब आप यहाँ ध्यान दें, जैसे कंपाउंडेड जो एनुअली जब था और उसको हाफ ईयरली में अगर कन्वर्ट किया जा रहा है तो टाइम एक वन ईयर्स में दो हाफ ईयरली होंगे, ठीक है। तो एनी टाइम का आपको ट्वाइस करना होगा और रेट जो है जो एनुअली था उस रेट का क्या होगा, हाफ होगा। ऐसे अगर क्वार्टरली है, एक ईयर्स में चार क्वार्टरली होते हैं, यानी थ्री थ्री मंथ के आपके फोर पार्ट होंगे, तो थ्री मंथ के बाद जो है यानी थ्री मंथ को एक क्वार्टरली कहेंगे, एक क्वार्टर, ठीक है। तो आप देखें फोर क्वार्टर क्वार्टरली, तो टाइम का आपको फोर से मल्टीप्लाई करना होगा और जो एनुअल रेट है उसका 1/4 करना होगा। यहाँ कुछ ऐसे ये समझाए गए हैं, इसको आपको देखना और समझना, जो चीज़ें हमने यहाँ बताया वही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की गई, ठीक है। तो इसको तुम कुछ समझोगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आप आते हैं एक्सरसाइज 8.3। तो इसमें आप देखें, कैलकुलेट दी अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, आपको अमाउंट भी निकालना है और इंटरेस्ट भी निकालना है। अब आप देखिए, फर्स्ट है 10,800 फॉर थ्री ईयर्स एट द रेट 12/2% पर कंपाउंडेड एनुअली है, ये कंपाउंडेड एनुअली है, तो यहाँ आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देखें, इसको सॉल्व करने के लिए ये आप प्रिंसिपल आपका हो गया टाइम एन इक्वल थ्री ईयर्स, रेट आपका 12/2 को हम लोग लिख सकते हैं 25/2, इसको ये जो होल फ्रैक्शन में है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल पी 1+R/100n, ये हम लोग फार्मूला जानते हैं। अब पी आपका इतना है, ये 1/25/2 × 100/3। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब देखो, जैसे 25 से ये हम जो है 100 को कैंसिल किया, तो 25 × 25 × 100, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1+1/2 × 4³। अब इसको आप सिंप्लीफाई किया तो ये प्रिंसिपल 10,800 × 1+1/8/3, इसको फिर सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आ गया ये 15,377.34 अप्रॉक्स है। तो अब ये अमाउंट हुआ, ये क्या हुआ अमाउंट, इस अमाउंट से प्रिंसिपल को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आप जो है क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल ये उलट करके लिख दिया गया है, ध्यान में रखना, दिस अमाउंट माइनस दिस लिखना है, ये गलत हो गया है, ठीक है। तो ये ₹4,577.34। तो बेटा इस तरीके से ये आपको सॉल्व करने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट अभी आपको उसी तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सी पार्ट आपका सेम कंपाउंडेड एनुअली है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये ध्यान रखें कि डी जो है 8,000 फॉर वन ईयर्स एट द 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है, ठीक है। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली ये कह रहा है, यानी वन ईयर्स में टू हाफ ईयरली हो जाएंगे और रेट का क्या करेंगे, हाफ करेंगे, यानी 9/2। यू कुड द ईयर बी बाय ईयर कैलकुलेटिंग यूजिंग SI फार्मूला टू वेरीफाई, मतलब इसको हमें सिंपल इंटरेस्ट SI से भी करना है, सिंपल इंटरेस्ट से भी करना है, और इसको हम जो है किसमें ये कंपाउंडेड इससे भी मतलब अमाउंट से कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट के फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो आइए अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये आपका
डी है, क्वेश्चन नंबर डी, ये आप देखें। आप देखें हेयर प्रिंसिपल पी 8000 टाइम्स एन इक्वल 1 ईयर्स, ठीक है, और इक्वल ये टू हाफ एयरली, यानी टू हाफ एयरली हो गया, ठीक है, और रेट हाफ एयरली में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो जो रेट 9% दिया था, ये हाफ एयरली रेट आपको 9/2 लिखना है। तो अमाउंट के फार्मूले पर ए इक्वल पी 1 + R/100 पावर एन, ये आपने फार्मूला लिखा 1 + 9/2 इंटू 100 पावर 2, सिंप्लीफाई किया तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करने पर आपका आया 8209/200। ये पूर्णतया सिंप्लीफाई करने पर आया आपका जो है 8736.20, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट a माइनस b, तो इसमें कंपाउंड अमाउंट से कंपाउंड प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 736.20 रुपीज ये हमारा अमाउंट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। अब आप देखिए हेयर प्रिंसिपल इतना दिया है, ठीक है, टाइम एन इक्वल दिस 1 ईयर टू, ये भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहा है, और रेट 8 दिया तो ये 4% यानी आधा कर लिया, तो कंपाउंडेड ये आपका क्या हो गया, हाफ ईयरली हो गया। कंपाउंड अमाउंट इक्वल, ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, इस पर वैल्यू रखा 4/100, इसको सिंप्लीफाई करते हुए आप ये सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे 1 + ये 4 को 4 × 4 = 25, ठीक है, 25 आ गया, तो 1 + 1/25, इसको सिंप्लीफाई किया तो 26/25 कैल्शियम लेकर के किया गया है, ये ध्यान में रखना। अब ये दो बार है तो दो बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको हमने जब मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई किया तो आपका आ गया क्या, 10816। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ए माइनस पी, उस तरीके से ये हम लोगों ने 10,000 इसमें से घटा दिया, तो 816 रुपये ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट हुए, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आप देखिए कमला ब्रॉड रुपीज 26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाई ए स्कूटर एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, व्हाट अमाउंट बिल सी पे एट द एंड ऑफ 2 years 4 months टू क्लीन द लोन। अब आप देखो यहाँ 2 years और 4 months दिया है, तो यहाँ बेटा आपको ध्यान में रखना होगा, 2 years का तो कंपाउंड अमाउंट निकाल लोगे, जो 2 years का कंपाउंड अमाउंट होगा वो 3rd year के 4 months के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, वहाँ SI से निकालना होगा आपको 4 months का, क्योंकि 4 months के लिए आपका कंपाउंड अमाउंट में है नहीं फार्मूला, ठीक है। तो इसको हम लोग ये 2 years के लिए पहले हम निकालते हैं, ए इक्वल पी 1 + R/100 पावर n, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये रख करके ये 26,400 1 + 15/100 पावर 2 ये सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करते हुए ये आपको कितना आ गया, रुपीज 34,914, ये इतना रुपीज आपका ये आ गया। अब आपको यह प्रिंसिपल हो गया किसके लिए, अगले 4 months के लिए, तो अगले 4 months का तो ईयर्स में कन्वर्ट करना है, यानी 4/12, 12 से डिवाइड कर दें, 1 years में 12 months होते हैं, तो 12 से डिवाइड किया यानी 1/3 year हुआ, 1/3 year, ठीक है, और रेट ये है। तो SI अब निकालेंगे PRT/100, ठीक है, तो इसमें आप देखो ये इतना ये लिखे 15 लिखे, और टाइम ये 1/4, यहाँ क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ये गलत यहाँ हो गया यार, चलो बेटा यहाँ ये 4 × 4 कर लेना, सॉरी × 3, ठीक है। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई किए तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका इतना आया, और इन दोनों को ऐड कर लोगे
तो ये आपका टोटल अमाउंट हुआ जो 2 ईयर्स 4 मंथ के बाद आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, आज इतना ही। आप घर पर बने रहिए और अच्छे पढ़ाई करते रहिए, आप खुश रहें। इसी के साथ आज इतने ही एंड हो रहा है। धन्यवाद।